हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल प्रकाश सोलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे यूटीएल के मोनो हाफ कट सोलर पैनल की रिव्यू। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए मैं लाते रहता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर यूटीएल सोलर का लोगो दिया गया है और इसके साथ में एक स्ट्रिप लगा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके सीरियल नंबर दिया गया है और इसके साथ में मॉडल नेम यूटीएल 445 144 एम और नॉमिनल वाटेज दिया गया 445 वाट। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, ईयर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2022। ये यूटीएल का मोनो हाफ कट सोलर पैनल है जो कि दो भागों में डिवाइड रहता है, एक भाग ये है और दूसरा भाग नीचे की तरफ में है। मोनो हाफ कट सोलर पैनल लगाने का फ़ायदा ये होता है कि मोनो हाफ कट पैनल दो भागों में डिवाइड होता है, अगर एक भाग पर छाया भी आ जाए तो दूसरा भाग काम करते रहता है, इसलिए मोनो हाफ कट सोलर पैनल लगाने से आपको नुकसान नहीं होता है। इस सोलर पैनल के अंदर एक भाग में 72 सेल का यूज किया गया है और दूसरे भाग में 72 सेल का, यानी कि टोटल 144 सेल इस सोलर पैनल के अंदर में लगा हुआ है। और जो सेल लगा है वो 9 बस बार का सेल लगा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 बस बार का सेल लगा हुआ, जिसके कारण इसके बीच का रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाती है और पावर को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करके ये देता है। ये वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे काफ़ी मौसम ख़राब रहता है, जहाँ पे धूप कम समय के लिए निकलता है, वहाँ पे इस सोलर पैनल को यूज कर सकते हैं। और इस सोलर पैनल में जो फ्रेम का यूज किया गया है, काफ़ी मोटा फ्रेम का यूज किया गया है, जैसे कि हम अभी दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग पैनल को पीछे पलटते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मोनो हाफ कट सोलर पैनल के बैक सीट जिसपे आपको यूटीएल के ब्रांडिंग देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्लेम पास करने के लिए। और यहाँ पे एक स्टिकर चिपका हुआ है जिसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो स्टिकर लगा हुआ है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यूटीएल सोलर पीवी मॉड्यूल टाइप यूटीएल 445 वाट 24 वोल्ट मोनोपर्क। इलेक्ट्रिकल रेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर रेटेड पावर दिया गया है 445 वाट और यहाँ पर VMP दिया गया है 41.75 वोल्ट और यहाँ पर रेटेड करंट दिया गया है 10.66 एम्पियर। अगर हम इसकी VOC की बात करें तो 49.55 वोल्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है इसके VOC। और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की बात करें तो 11.40 एम्पियर यहाँ पे दिया गया है और टॉलरेंस इसका ±3% है और मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज 1500 वोल्ट दिया गया है। मॉड्यूल इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी इसकी 20.22% है, जो कि काफ़ी अच्छा इफिशियंसी इसका है। और एप्लीकेशन क्लास की बात करें तो ये एक क्लास की सोलर पैनल है और मैक्सिमम सीरीज फ्यूज रेटिंग की बात करें तो इसमें 30 एम्पियर की मैक्सिमम सीरीज फ्यूज रेटिंग इसमें दिया गया है। और इसकी जो वेट है लगभग 26 किलो के आसपास में है एक सिंगल पैनल का वेट। और यहाँ पे कंपनी का डिटेल्स वगैरह दिया गया जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर यूटीएल सोलर का एक होलोग्राम दिया गया जो कि आप लोग इसको लेने से पहले देख लीजिएगा। और यहाँ पर इसके सीरियल नंबर मेंशन है। यहाँ पे इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सोलर पैनल के लिए टेस्टिंग रिपोर्ट। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो एल्युमिनियम का फ्रेम यूज किया गया है काफ़ी मोटा फ्रेम है, क्योंकि इस पैनल का साइज काफ़ी लंबा है, इसके वजह से इसमें फ्रेम का जो यूज किया गया है वो काफ़ी मोटा फ्रेम का यूज किया गया, जिससे कि ये आंधी तूफान आए तो ये पैनल टूटे ना, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर 3 माइक्रो जॉनसन बॉक्स दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इसके साथ में आपको कनेक्टर भी देखने को मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा कनेक्टर है और यहाँ पे भी एक कनेक्टर, मेल और फीमेल कनेक्टर देखने को मिलता है। इसमें जिस जॉनसन बॉक्स का यूज किया गया है वो IP68 का जॉनसन बॉक्स है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें भी IP68। और यह पैनल का साइज काफ़ी बड़ा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।